स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिल साथ में। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का एटीएम कार्ड यूज करते हैं और आपका एटीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका एटीएम कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, आप अपने एटीएम कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने के साथ साथ एटीएम कार्ड को एनेबल करने का प्रोसेस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम कार्ड को आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए एनेबल कैसे करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप बीओबी वर्ल्ड ऐप को ओपन करना है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें लॉग इन करना है। आप यहाँ पर अपने पिन से भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं और आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट से भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट से लॉग इन करने वाला हूं, तो हम यहां पर फिंगरप्रिंट पर एक बार टच करते हैं। उसके बाद यहां पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे यहां पर एक पॉपअप सा आ जाएगा। अब आपको यहां पर करना क्या है, अपना फिंगरप्रिंट यहां पर टच करना है। उसके बाद आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको यहां पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में सबसे नीचे यहां पर एक कार्ड का आइकन दिखाई देता है। आपको सिंपल यहां पर कार्ड के आइकन पर क्लिक करना है। कार्ड के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से फीचर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक फीचर दिखाई देगा, मैनेज डेबिट कार्ड। सिंपल आपको यहाँ पर मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देगा, उससे नीचे आपको यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर आप क्लिक करने से अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी आप यहां से ऑन कर सकते हैं और यहां पर आप अपने एटीएम कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड में जितनी भी लिमिट सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एटीएम कार्ड को ब्लॉक करके देख लेते हैं। आपको यहां पर एक बार क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। टेम्परेरी ब्लॉक करने के लिए आपको यहां पर एक बार क्लिक करना है। अब यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप सा आ जाएगा। आपको यहां पर अपना ट्रांजेक्शन पिन डालना है और ट्रांजेक्शन पिन डालने के बाद आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो कार्ड है वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए ब्लॉक हो चुका है। अब हम यहां पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपने यहां पर देखा, हमने अपना एटीएम कार्ड टेम्परेरी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया है। अब इस एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर एक बार क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने यहां पर अगला पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर अनब्लॉक पर एक बार क्लिक करना है। अनब्लॉक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप इसमें से अलग अलग फीचर को ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर एटीएम को ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर पॉइंट ऑफ सेल सेटिंग को यहां पर एनेबल कर सकते हैं और सबसे नीचे आपको यहां पर ऑनलाइन का फीचर दिया गया है। अब यहां पर आप ऑनलाइन के लिए अपने कार्ड को अनब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आपका कार्ड ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है तो सिंपल आपको यहां पर एक बार क्लिक करना है और आपका जो कार्ड है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एनेबल हो जाएगा। इसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद आपको यहां पर प्रोसेस पर एक बार क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपको यहां पर अपना ट्रांजेक्शन पिन डालना है और उसके बाद यहां पर ओके पर क्लिक करना है। अब हमने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड पहले ब्लॉक किया, उसके बाद अनब्लॉक किया और इस दौरान हमने ये भी सीखा है हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एनेबल कैसे करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिमिट सेट करने का फीचर है। अगर आप यहां पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट यहां पर जो लिमिट सेट है वो यहां पर एटीएम मशीन से निकालने के लिए 25,000 है और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए यहां पर 50,000 है। आप अपने हिसाब से इस लिमिट को सेट कर सकते हैं। मैंने यहां पर एटीएम मशीन से निकालने के लिए 13,300 किया है और यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मैंने यहां पर 24,900 सेट कर दिया है। और अपनी लिमिट सेट करने के बाद आपको यहां पर प्रोसेस पर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर एटीएम की जो लिमिट है वो मैंने 13,300 की है और जो पहले एटीएम की लिमिट थी वो यहां पर 25,000 थी। नीचे आप यहां पर देख सकते हैं POS की जो हमने लिमिट सेट की है वो हमने 24,900 की है और जो पहले यहां पर लिमिट सेट थी वो यहां पर 50,000 थी। इस तरह आप
आपको अपनी लिमिट सेट करने के बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म पर एक बार क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो डेबिट कार्ड की लिमिट है वो सेट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर एक बार क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अपने डेबिट कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो सेटिंग आ जाएगी जिससे आप अपने एटीएम कार्ड की सेटिंग कर सकते हैं। आप एटीएम मशीन के लिए अपने कार्ड को बंद या चालू कर सकते हैं। पीओएस मशीन के लिए आप अपने एटीएम कार्ड को बंद या चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन के लिए भी आप अपने एटीएम कार्ड को बंद या चालू कर सकते हैं। ये जो तीनों सेटिंग है ये हमारे इंडिया के लिए है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो नीचे आपको ये सेटिंग दी गई है। इस सेटिंग से आप इंडिया से बाहर भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास वीजा या फिर मास्टर कार्ड होना जरूरी है। तो इस तरह आप बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एनेबल या फिर चालू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।